दोस्तों मंजिल में अगर कांटे हो तो क्या हुआ, उन कांटों पर भी चल जाएंगे हम। भाग्य भरोसे क्यों बैठे, कामयाबी तो अपनी मेहनत के बल पर पाएंगे हम। और दोस्तों जिस इंसान की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने इस लाइन को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज वह जिस भी मुकाम पर खड़े हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अपने शानदार पंजाबी गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले गायक गैरी संधू के बारे में, जिनकी लोकप्रियता दिन ब दिन उनके शानदार गानों के साथ बढ़ रही है, और अब तो वह बॉलीवुड फिल्मों में भी अपने गानों के साथ नजर आने लगे हैं। हालांकि दोस्तों गैरी की सफलता सिर्फ और सिर्फ उनके मेहनत और संघर्ष का ही फल है, क्योंकि एक समय पर पैसे कमाने के लिए उन्होंने मजदूरी तक की है। साथ ही एक लोकप्रिय सिंगर बनने से पहले वह कई रातें जेल में भी बिता चुके हैं, लेकिन कैसे इन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए गैरी आगे बढ़े, आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1984 से, जब जालंधर शहर के एक छोटे से गांव रुड़की कला में गुरमुख सिंह संधू यानी कि गैरी संधू का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सोहन सिंह था, जो कि एक साधारण से ड्राइवर थे, और इसी वजह से ही गैरी और उनके घर वालों को शुरुआती समय में काफी गरीबी का सामना करना पड़ा, और परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी न होने की वजह से ही गाँव के ही सरकारी स्कूल में गैरी संधू ने पढ़ाई की। हालांकि पढ़ाई का माहौल न होने की वजह से उनका पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा मन तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें खेल कूद में काफी दिलचस्पी थी। इसके अलावा सिंगिंग तो उनकी पहली पसंद थी। और दोस्तों गैरी को जानने पहचानने वाले लोग बताते हैं कि उनके अंदर शुरू से ही अपने परिवार की गरीबी दूर करने की चाह मौजूद थी, और बचपन से ही वह बड़े बड़े सपने देखा करते थे। और फिर आगे चलकर जब गैरी करीब 13 साल के हो गए, तब गुरदीप सिंह नाम के एक पंजाबी सिंगर ने उनके टैलेंट को पहचाना और कविश्री म्यूजिकल स्टाइल की उन्हें ट्रेनिंग देने लगे। और दोस्तों आपको बता दें कि यह म्यूजिकल स्टाइल पंजाबी लोक गीत गाने का एक तरीका है, और फिर इस तरह के गीतों को सीखकर जल्द ही गैरी संधू कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में गाते हुए दिखाई देने लगे। हालांकि संगीत से लगाव उनका कुछ ऐसा हो चुका था कि 10वीं क्लास में वह पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हो गए, और फिर यहाँ पर गैरी को यह चिंता सताने लगा था कि इस तरह से तो वह कभी भी अपने माँ बाप की गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। और जब गैरी लगभग 16-17 साल के थे, तभी उनकी मुलाकात एक इमिग्रेंट एजेंट से हुई, जिसने कि गैरी संधू को इंग्लैंड जाकर पैसे कमाने की सलाह दी। और फिर गैरी को भी यह आइडिया रास आया, जिससे कि वह करीब 18 साल की उम्र में इसी तरह से पैसे जोड़ जोड़ कर इंग्लैंड पहुँच गए, और वहाँ पहुँच कर उनके क्वालिफिकेशन को देखते हुए उन्हें कोई अच्छा काम तो नहीं मिला, और इसीलिए गैरी ने वहाँ रहते हुए मजदूरी करनी शुरू कर दी। और फिर कुछ महीने मजदूरी करने के बाद से उन्हें सेल्समैन का जॉब मिल गया, जिसे कि वह अगले 2 सालों तक करते रहे। हालांकि दोस्तों इन सभी परेशानियों में भी गैरी ने म्यूजिक का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, और पैसे कमाकर वह नए नए इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते रहे। और फिर कई सालों तक इसी तरह से काम करते हुए जब गैरी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने अपनी पहली सॉन्ग अगस्त 2010 में रिलीज की, जिसका टाइटल था मैं नहीं पींदा। और दोस्तों पहले गाने पर ही गैरी की मेहनत रंग लाई, और यह सॉन्ग लोगों को खूब पसंद आया। और फिर लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस देखते हुए गैरी संधू ने दिल दे दे और सहा तो प्यारिया टाइटल के 2 और भी गाने गाए, और यह गाने भी तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर हो गए। हालांकि गैरी जब कामयाबी की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी 2011 में उन्हें यूके बॉर्डर एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से इंग्लैंड में रह रहे थे। हालांकि कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद से उन्हें इंडिया भेज दिया गया, लेकिन गैरी इस घटना से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपना म्यूजिक करियर छोड़ने तक का फैसला कर लिया। हालांकि घर वालों और दोस्तों के बहुत समझाने पर गैरी ने अपना फैसला बदला, और फिर भारत में भी वह लगातार एक के बाद एक सुपरहिट गाने देते रहे। और दोस्तों गैरी संधू के सुपरहिट गानों की लिस्ट में जा नहीं जा, लड्डू, दिल दे करीब और हौली हौली जैसे कई सारे गाने मौजूद हैं। इसके अलावा गैरी संधू के हौली हौली गाने को दे दे प्यार दे नाम के बॉलीवुड मूवी में भी शामिल किया गया है, और एक तरह से गैरी संधू की यह सॉन्ग उनकी बॉलीवुड डेब्यू बनी। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गैरी ने पंजाबी संगीत में अभी तक जो भी सफलता पाई है, वो खुद के मेहनत और संघर्ष के दम पर। कई सारी परेशानियों से हार न मानते हुए गैरी जिस तरह से आगे बढ़ते रहे, उनकी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखनी चाहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।